नेशनल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन कहता है सभी स्टेट का सभी डिस्ट्रिक्ट का प्लान बनाया है। ये प्लान के मुताबिक आपके यहाँ बंदाला में भी 100 बेड का क्रिटिकल केयर यूनिट, जिसमें वेंटिलेटर की फैसिलिटी हो, जिसमें ऑक्सीजन की फैसिलिटी हो, क्रिटिकल सिचुएशंस में वो काम में आए, इसलिए फैसिलिटी यहाँ क्रिएट होनी है और तुरंत ही यहाँ काम शुरू करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट को सर बैल नेशनल हेल्थ सेंटर वालों की सबसे सेहत केंद्र भी मंजूर होया बरनाले दे उस लिए तुसी कर रहे हो बैलेंस हेल्थ सेंटर स्कीम तहत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर उसके लिए आप क्या लगता है देश में 155,000 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर यानी कि आप 5-6 हज़ार पॉपुलेशन पर एक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर जो प्राथमिक हेल्थ सेंटर आर्थिक हेल्थ सेंटर था उसको हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर एडिशनल खर्च करके अपग्रेड किया। भारत सरकार हेल्थ सेक्टर में प्राथमिक आरोग्य केंद्र हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के लिए भी आर्थिक सहयोग करती है, उसमें 60% खर्च अच्छा आपके लिए उपयोगी होगा। हेल्थ क्योंकि हेल्थ में जो काम होता है ना वो स्टेट सब्जेक्ट होने से हमारी मशीनरी नहीं होती है, लेकिन सारा काम स्टेट के द्वारा होता है। तो हेल्थ का आपके स्टेट में क्या क्या खर्च भारत सरकार की ओर से आपके सामने हो रहा है कि आपके संज्ञान में होना बहुत आवश्यक है। जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है यानी कि हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है उसमें जो काम करने वाले लोग हैं, जॉब पर लोग हैं, उसमें भी 60% पैसा भारत सरकार देती है। वो बनाने के लिए भी 60% पैसा, मैन पावर के लिए भी 60% खर्च देती है, बनाने में के लिए भी 60% का भारत सरकार देती है। इतना ही नहीं, जो यहाँ बात होते हैं होती है ना कि मेडिसिन फ्री देते हैं, ये मेडिसिन फ्री में 60% हिस्सा भारत सरकार का है। ये टीम को पता होना चाहिए और देश में राज्य में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर आपके राज्य में जो भी सभी प्राइमरी हेल्थ सेंटर थे उसको हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में कन्वर्ट किया गया है। सर इसको सर पहले दिल्ली में हमारी पार्टी ने मोहल्ला क्लिनिक बनाए, अब पंजाब में बना रहे हैं, वो दावा कह रहे हैं कि हमारी जीत का सबसे बड़ा कारण है, इसको ये आपको तय करना है भाई। वेलनेस सेंटर पर कोई आके उसको मोहल्ला क्लिनिक कर दे, दैट हैज बीन कैप्चर्ड, ये उचित नहीं। मैंने राज्य से बातचीत की है कि कोई राज्य अपनी स्कीम चला सकता है, मुझे कोई दो राय नहीं, आप चलाओ लेकिन अलग से करो। कोई हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर को आप वहाँ लिख दोगे कि मोहल्ला क्लिनिक ये उचित नहीं होगा तो सरकार ने कहा है कि हम ऐसा नहीं करेंगे, जो गलती किए तो उसको सुधारेंगे। आपकी तरफ से भी एक्शन होगा सर, केंद्र की तरफ से भी एक्शन हो गया, हमने उसको राइटिंग में लिखा है कि भारत सरकार और सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट उसका सेंट्रल डेमोक्रेटिक सिस्टमिक व्यवस्था है, जो राज्य भारत सरकार को स्कीम बनाती है और इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए एक प्रारूप तय करती है और सभी स्टेट के साथ उसका एमओयू होता है। एमओयू के तहत ये उसकी डिजाइन रहेगी, ये उसका सेंट्रल गवर्नमेंट शेयर रहेगा, ये उसका स्टेट गवर्नमेंट शेयर रहेगा, ऐसा करके स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट एमओयू करते हैं और उसको फॉलो करना होता है। तो जो फॉलो नहीं करेंगे तो ऐसा माना जाता है कि आप स्कीम का इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर रहे हो, ये तो उचित नहीं। इसलिए हम लेकिन भी इस सेक्टर में हम राजनीति नहीं करना चाहते। मैंने कहा है राज्य के हेल्थ मिनिस्टर को भी कहा है कि राजनीति के विषय पर मत दे जाओ, उसको अच्छी तरह से जॉइंटली इम्प्लीमेंटेशन हो ऐसा करके उसको आगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री बोल रहे थे, दिल्ली के मुख्यमंत्री बोल रहे थे कि बीजेपी सीबीआई और ईडी का इस्तेमाल कर रही है, लेकिन पंजाब में पंजाब सरकार खुद विजिलेंस का गलत इस्तेमाल कर रही है और पत्रकारिता पर हमला कर रही है, जिसकी एग्जांपल है अजीत। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो? पहले केंद्र पर आरोप लगा था सीबीआई और ईडी का और अब पंजाब में विजिलेंस का गलत उपयोग हो रहा है। मेरा तो बहुत स्पष्ट मानना है और मेरे आज बहुत पॉलिटिकल बात नहीं करनी थी, लेकिन ये लोग हैं जो दिन में कहते हैं लोगों को कि मैं आकाश में से स्टार उतार के नीचे देता हूँ, ये लोग हैं ना जिन्होंने कहा था अन्ना हजारे के आंदोलन में मैं उस वक्त एमपी हुआ करता था और
और मैं भी देखने के लिए जाता था। तो आंदोलन चल रहा था, मंच पर बैठे बैठे यही लोग बोल रहे थे कि हम देश की देश को बदलेंगे और आप हमें जनप्रतिनिधि बनाएंगे तो हम सरकार की गाड़ी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। कहा था सरकार की गाड़ी का इस्तेमाल होगा, उन्होंने कहा था कि मैं सरकारी बंगलों नहीं जाऊंगा, मैं सिक्योरिटी नहीं लूंगा। दो साल पूरे होने थे, सारे देश में प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, मोदी सरकार का मतलब दसा जा रहा कम ठीक है, लेकिन बल्कि कर्नाटक चुनाव हुए बीजेपी की हार हुई, उस उभर के आया भी जोड़े बीजेपी के निचले लेवल के सके वर्कर उन्होंने कुछ नहीं। इस तरह ही हूँ अज भी कई पंजाब पदरी नेता इतने नहीं आए, वो कह रहे हैं भी कल्चर इस तरह का आ गया भी एक निजी जगह पर बल्कि प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। जो दोस्तों हमारी पोलिटिकल पार्टी और अदर पोलिटिकल पार्टी में डिफरेंस है, हम कभी हारते नहीं, हम या जीतते हैं या सीखते हैं, सीखने की हमारी तैयारी होती है हमेशा। हम किसी भी प्रधानमंत्री जी के सामने हमने इलेक्शन लड़ा, हम प्रधानमंत्री में मैं वहाँ चुनाव का प्रभारी था, नहीं जीत पाए, जो जीता उसको मोदी जी ने नेक्स्ट डे जैसे मुख्यमंत्री की शपथ हुई तो सरकार को कॉन्ग्रेचुलेशन। यही डेमोक्रेसी की ब्यूटी होनी चाहिए, शक्ति का स्वीकार करना चाहिए। हम ये दल है, ये विरासत के वाहक है। जब इंदिरा जी देश का नेतृत्व कर रही थी और बांग्लादेश के साथ युद्ध हुआ, हम जीते तो वाजपेयी जी ने कहा था कि उन्होंने दुर्गा जैसी शक्ति बताई और उसकी प्रशंसा की थी, और देश को देश के स्वभाव स्वाभिमान के साथ जुड़ सके ऐसा एक विषय आप और आप सबके लिए गौरव का विषय है। देश आजाद देश ने अपनी पार्लियामेंट बनाई और देश को समर्पित किया, तो वहाँ राजनीति हुई। ये कल्चर से एक तो फर्टिलाइजर सब्सिडी को लेकर क्या इसका कोई मैकेनिज्म चेंज किया जा रहा है अंडर डीबीटी, वो सवा दो लाख करोड़ से पौने दो लाख करोड़ रुपये किया जा रहा है, तो उसका मैकेनिज्म भी चेंज किया जा रहा है कुछ इस तरह की बात सामने आ रही है। कोई मैकेनिज्म आज के दिन में चेंज करने की सरकार की मंशा नहीं, अंडर डीबीटी नहीं, बिल्कुल किसान को हमारी पहली प्राथमिकता है। किसान को फर्टिलाइजर मिलना चाहिए, किसान को आज जो प्राइस है प्राइस भी बढ़ाने का कोई इरादा नहीं है। जो खाद की प्राइस और बढ़ेगी तो मोदी जी सब्सिडी बढ़ाएंगे, लेकिन किसान के ऊपर बोझ नहीं आने देंगे। अगले खरीफ के लिए 1,25,000 करोड़ की सब्सिडी मैंने 15-20 दिन पहले कैबिनेट से अप्रूवल लिया है। खरीफ के लिए भी रबी के लिए, रबी सीजन आएगी तो फिर मैं सब्सिडी लेके आऊँगा, जो भी सब्सिडी की सरकार आवश्यकता होगी इतनी सब्सिडी। ये तो अभी हमने बजट में प्रावधान रखा है, लेकिन बढ़ भी सकती है, वो प्राइस बढ़ गई तो लास्ट बार 1,25,000 करोड़ ही था, लेकिन हमने खर्च किया 2,50,000 करोड़, 254,00,000 करोड़ जो कम हो गई। दूसरा एक सेक्टर को लेकर आपने बताया कि 54,000 सीटें थी जो 1,08,000 कर दी गई है, और 350 मेडिकल कॉलेज 650 मेडिकल कॉलेज की है, 65,000 बीजेपी सीट्स हैं, और आपने कहा कि हर एक डिस्ट्रिक्ट को 100 करोड़ रुपये दिया जाए, कितने डिस्ट्रिक्ट एलोकेट हो चुका है अभी तक? सभी को हम सभी स्टेट गवर्नमेंट से प्रपोजल लिया है और स्टेट गवर्नमेंट को कहा प्रायोरिटी बेस पर चालू करो, पंजाब सरकार ने पंजाबी यूनिवर्सिटी से मेन पंजाबी।